आज से सिर्फ 7 साल पहले साल 2014 में 1 GB मोबाइल डेटा का एवरेज कॉस्ट था 268.97 रुपए, आपको याद ही होगा। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कंपटीशन बढ़ता गया और मेजरली रिलायंस जियो के आने के बाद ये गिर गया 11 रुपए पर GB पे। बट अब इस साल ये और भी घट गया है और आप जान के चौंक जाओगे कि अपडेटेड डेटा के हिसाब से इंडिया में 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट कितना सस्ता हो गया है। हर कंट्री में, दुनिया में जितने कंट्रीज है, सब में इतने वेरिएबल अमाउंट है ना, सब में बहुत अलग अलग है, आप देख के चौंक जाओगे। देखो कॉस्ट, ये है एक अमेजिंग सा स्टैटिस्टिक्स। अफ्रीका में एक कंट्री है बेनिन और वहाँ का 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट पड़ता है 2000 रुपए। 2000 रुपए 1 GB के लिए। अफ्रीका में ही चैड नामक एक कंट्री है और वहाँ पे 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट है 1680 रुपए। कनाडा में 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट है 904 रुपए। अमेरिका में 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट पड़ता है 600 रुपए। न्यूजीलैंड में पर जीबी है 400 रुपए। फिनलैंड में पर जीबी है 200 रुपए। और ये गिरता है मेजरली यूक्रेन में आके। यूक्रेन में पर जीबी कॉस्ट है 33 रुपए। इसराइल एक कंट्री है, वहाँ पर जीबी कॉस्ट है 8 रुपए। जी हाँ, ओनली 8 रुपए। और इंडिया में पर जीबी कॉस्ट अभी के समय है सिर्फ 6 रुपए 50 पैसे, जो कि पूरे विश्व में, पूरे प्लेनेट में सबसे लो कॉस्ट है इंटरनेट डेटा का। Isn't that amazing compared to the entire world? और ये जो एवरेज कॉस्ट है, ये मोबाइल डेटा पे ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज के ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा के कॉस्ट को मर्ज करके एवरेज निकाला गया है, उसी को दिखाया गया आपको इस वीडियो में। इंटरनेट के बहुत सारे यूजर्स है पूरे दुनिया में और इसका स्टैटिस्टिक्स का बात करें तो टॉप पे चाइना है जिसमें 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि वहां के पॉपुलेशन का 63% है। फिर आता है सेकंड में इंडिया, जहां 75 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि इंडिया का पूरा पॉपुलेशन का 55% है, ऑलमोस्ट आधा से थोड़ा ज्यादा। अमेरिका में 31 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि वहां के पॉपुलेशन का वोपिंग 60-70-80-90 नहीं बल्कि 96% है। मतलब वहां पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, घर घर में लगभग इंटरनेट है। मतलब अमेरिका में 4% पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट यूज नहीं करता। और समय के साथ साथ इंटरनेट पे ये जो यूजर्स का जो नंबर है वो भी बढ़ते जा रहा है। सो दैट वाज द इन्फो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।